मामला आजमगढ़ शहर से सटे बेलैसा स्थित न्यू कॉलोनी जगदीशपुर का है, जहां 10 KVA का ओवरहेड ट्रांसफार्मर लगा है। बृहस्पतिवार की रात 11 बजे ट्रांसफार्मर में आग लग गया। इस घटना में अनिल कुमार विश्वकर्मा पुत्र सचई राम विश्वकर्मा के मकान में आग लग गई और उनका लाखों का नुकसान हो गया। ओवरहेड ट्रांसफार्मर में सप्ताह भर से लीकेज हो रहा था और कॉलोनी में 11,000 वोल्टेज का तार पूरी तरह से जर्जर होकर लटकने लगी, जिसकी सूचना मौखिक रूप से बिजली विभाग को दी गई, लेकिन कोई भी अधिकारी और कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। इस घटना की सूचना पर जाफरपुर सब स्टेशन को लिखित दे दी गई है। इसके अलावा कॉलोनी से ओवरहेड ट्रांसफार्मर हटाने की मांग पूर्व में भी की गई थी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहां के निवासियों ने जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपकर बिजली विभाग के अशासी अभियंता SDO जे के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार। यती नाम यतीश कुमार, न्यू कॉलोनी जगदीशपुर सलारपुर रोड। अच्छा, क्या मामला आप DM साहब के यहाँ? मामला यही है कि आज से साल डेढ़ साल पहले हम लोग DM साहब के यहाँ ज्ञापन दिए थे, 11,000 वोल्ट का तार गया है कॉलोनी में, और हम लोग इसीलिए ज्ञापन दिए थे कि उसको बदला जाए। नंगा तार है, आए दिन दुर्घटना का डर बना रहता है। कई बार तार टूट गया है, जिसको विभाग को बताया गया तो बनवाएं, लेकिन उस तार को बदले नहीं, लोग मोटा वाला तार लगाना है। आज इसी के कारण एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। एक भाई का मकान जो है उसमें बहुत सी क्षति हुई है, कोई जला मरा तो नहीं है, लेकिन सामान का बहुत नुकसान हुआ है। हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसी कोई घटना न होने पाए, उस तार को बदल के मोटी केबल वाला तार कर दिया जाए और सारी व्यवस्था सही रहे। अपना परिचय दीजिए। अनिल कुमार विश्वकर्मा। अनिल कुमार विश्वकर्मा, न्यू कॉलोनी बेलैसा जगदीशपुर आजमगढ़। आज क्या मामला आप DM साहब के यहाँ? DM साहब, क्या मामला है कि हमारे यहाँ कॉलोनी में 11,000 तार है, जिसपे छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। उन ट्रांसफार्मर से 11,000 तार एकदम रिहायशी इलाके में गया हुआ है, जिससे सारे कॉलोनी वाले त्रस्त हैं। बिजली विभाग के JE XCN से कई बार हम लोग कंप्लेन कर चुके हैं, 1.5-2 साल से लिखित कंप्लेन आप मेरे पास वो है कंप्लेन, उसके बाद भी लोग पैसे के चक्कर में कभी सुने नहीं। और आज की व्यवस्था ये है कि हमारे घर में उस ट्रांसफार्मर से आग लग गई और कम से कम लाखों की क्षति हुई है और जान माल की नुकसान होने की संभावना थी, मैंने बच गया, किसी तरह से बच गया। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? अब हम लोग क्या कहेंगे? अब क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि वहाँ ट्रांसफार्मर वहाँ से हट जाए, 11,000 तार हट जाए कॉलोनी से, सारे लोग सुरक्षित रहें, कहीं से उसकी लाइन की आपूर्ति कर, हमारी छत की पूर्ति हो,